नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीडी टीवी भारत। आपको और आपके परिवार को वीडी टीवी भारत की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हिंदू धर्म का विशेष त्योहार है। इसके लिए लोग घरों की सफाई करते हैं और घर में दिए जलाकर रोशनी की जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा का खास महत्व होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं और इसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं वो भी आपको बताते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम द्वारा रावण को मारने और सीता को लंका में कैद से छुड़ाने के 20 दिन बाद दिवाली मनाई गई थी। यह उत्सव 14 साल वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक भी है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत के लिए पूरा अयोध्या शहर सजाया गया था। लोगों ने अपने राजा का स्वागत करने के लिए शहर को दीयों से सजाया था। तब से दिवाली के दिन मिट्टी के दीयों से सजावट की जाती है और इस त्योहार को मनाया जाता है। दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी या यूं कहें कि उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के अलौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं आगे चल के पूरे वर्ष उनको शारीरिक मानसिक दुखों से छुटकारा मिलता है और उनके घर में सुख समृद्धि आती है। ये थी हमारी खास पेशकश। मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।